ईडी स्वतंत्र एजेंसी है, वो अपना काम करती है, और डरता वही व्यक्ति है जो चोर है। जब सत्ता में थे तो ये लोग दुरुपयोग कर रहे थे, और हम सत्ता में हैं तो सही काम कर रहे हैं तो हम दुरुपयोग कर रहे हैं। आज मान लीजिए केजरीवाल हुए, चाहे मनीष सिसोदिया है, साबित हुआ ना कि लोग गए जेल। आरक्षण जो विपक्ष कर रहा है, लालू यादव जी के जब सरकार था, गवर्नमेंट था, 1% भी आरक्षण देने का उन्होंने काम किया था। जब तक ये देश है आरक्षण का विरोधी, मैं नहीं हूँ, मैं आरक्षण दिया हूँ। न्यायालय ने अगर आरक्षण में क्रिमिनल कहा है तो हम उसको संशोधन करने जा रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री बोले हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के द्वारा देखिए ईडी दफ्तर का घेराव किया गया और पुरजोर विरोध किया गया, जहां कहा गया कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कि जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग बीजेपी कर रही है और इसको देखते हुए विपक्ष के नेताओं की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी से गोविंदगंज विधायक सुनील मणि तिवारी हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। सुनील मणि जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से कांग्रेस नेताओं के द्वारा आपकी पार्टी, खासकर एनडीए सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए, ये आरोप झूठा है। ईडी स्वतंत्र एजेंसी है, वो अपना काम करती है, और डरता वही व्यक्ति है जो चोर है। जो चोर है वही व्यक्ति डरता है। ये लोग जब सत्ता में थे तो ये लोग दुरुपयोग कर रहे थे, और हम सत्ता में हैं तो सही काम कर रहे हैं तो हम दुरुपयोग कर रहे हैं। आज मान लीजिए केजरीवाल हुए, चाहे मनीष सिसोदिया है, साबित हुआ ना कि लोग गए जेल, और मैंने न्यायालय ने भी साबित कर दिया कि दोषी हैं। आज मान लीजिए न्यायालय के अदालत के न्यायालय पर ये जमानत पर हैं राहुल गांधी, तो ये लोग डर रहे हैं, ये लोग का पैसा जितना ये लोग रखा है तो ईडी तो जांच करेगा। माना जाए विपक्ष वाले चोर हैं क्या? माना जाए विपक्ष वाले चोर। देखिए, कहने के लिए आप स्वतंत्र है, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ईडी जब चाहे सीबीआई चाहे ईडी जो जांच करता है वो निष्पक्ष जांच करता है, और उसका जांच करने के बाद न्यायालय में जाता है और उसमें न्यायालय भी रहता है। तो जब जांच में दोषी पाए जाते हैं और आप न्यायालय में जाते हैं, न्यायालय आपका जमानत नहीं देता है चाहे जमानत दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आप दोषी हैं, तभी आपको जमानत नहीं मिल रहा है। तो ये आप कैसे बता रहे हैं कि नहीं ये भाजपा करा रही है? सुनील मणि जी, आरक्षण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई, आरक्षण के अंदर आरक्षण की बातें हो रही है, और ऐसे में विपक्ष काफ़ी ज़्यादा आपकी सरकार पर हमलावर है, कह रहा है कि आरक्षण विरोधी ये सरकार है और जो लोग हैं उनको लड़वाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, आरक्षण जो विपक्ष कर रहा है, लालू यादव जी के जब सरकार था, गवर्नमेंट था, 1% भी आरक्षण देने का उन्होंने काम किया था। आरक्षण देने का काम बीजेपी किया है। आज आप जय भीम कह रहे हैं, अंबेडकर जी को भारत रत्न देने का काम बीजेपी किया है। अंबेडकर जी जब चुनाव लड़ने गए था तो हराने का काम कांग्रेस ने किया था, और बीजेपी उनका सम्मान किया और उनको जिता करके सदन में लाया। तो आप कह रहे हैं कि हम आरक्षण का विरोधी हैं। जब तक ये देश है आरक्षण का विरोधी, मैं नहीं हूँ, मैं आरक्षण दिया हूँ। न्यायालय ने अगर आरक्षण में क्रिमिनल कहा है तो हम उसको संशोधन करने जा रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री बोले हैं कि गलत निर्णय हुआ है, हम इस निर्णय को बदलेंगे। ऐसी बात है, हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, हम सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। हम ये नहीं है किसी जाति बिरादरी की बात हम नहीं करते हैं, सबका साथ सबका विकास किसी जाति बिरादरी की हम बात नहीं करते हैं और सबका सम्मान करने का काम करते हैं। बात है सुनील मणि तिवारी, भाजपा विधायक कहते हुए नजर आ रहे थे, साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे बिल्कुल गलत है और ईडी पर सवाल उठाना ये बिल्कुल उचित नहीं है। ऐसे में ईडी जो है कहीं ना कहीं जो संस्था है वो अपना काम बिल्कुल सही कर रही है, और इस काम को देखते हुए जो चोर लोग हैं वही सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो लोग गलत करेगा उनके ऊपर तो कार्रवाई जो है लाजमी है। सुनील मणि तिवारी भाजपा विधायक को आप सुन रहे थे, आरक्षण का मुद्दा हो या फिर ईडी का मुद्दा, इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष वालों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे थे। और तमाम खबरों के लिए वरेण्य कैमरे के सहयोग विकास है, बहुत बहुत